If you create a list of great advocates of India, you have Harish Salve on that list. आज बात करने वाले हैं हरीश साल्वे के बारे में, उनके mindset के बारे में, उनके family background के बारे में, उनके education के बारे में, उनकी achievements के बारे में. ऐसी मैंने और भी videos बनाई हैं on different lawyers. The link of the playlist is in the description below. अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और भी videos बनाऊँ तो मुझे comment करके ज़रूर बताना. मैं हरीश साल्वे को personally नहीं जानता हूँ. But I have seen him argue before the constitutional bench of the Supreme Court, and what I observed in his style of arguing was that he was very persuasive and he never seemed to force his views on the judges. Second जो बात थी, he makes complex issues simple. और वो ये बात कहते भी हैं, for something to be convincing, it must be simple in the first place. उनका work ethic भी काफी exceptional है. So I was reading about him in a book जहाँ पे ये बात लिखी हुई थी कि he sat half day to understand the function of the refinery. Subject matter को केस के समझने के लिए वो आधा दिन बैठे रहे. और ये मेरा मानना, खुद का पर्सनल मानना भी है कि अगर आपको अपने करियर में आगे जाना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बिल्ड करनी है वो है ग्रेट वर्क एथिक. एक एक्सेप्शनल वर्क एथिक बिल्ड करो अगर आपको अपने करियर में आगे जाना है तो. So Harish Salve comes from a family of professionals. His great-grandfather was a munsif, a subordinate court judge. अब ये पोस्ट abolish हो गई है. His grandfather was a successful criminal lawyer. His father, Mr. M.K.P. Salve, was a veteran politician from the Indian National Congress. He was former BCCI president. And he was also a union minister under the leadership of Mr. PV Narasimha Rao. अब बात करें हरीश साल्वे की क्वालिफिकेशंस के बारे में. So he's a CA turned lawyer. जैसे बहुत सारे CA आज भी लॉ करते हैं, ऐसे इन्होंने भी अपनी एंट्री करी into the legal profession. इन्होंने लॉ करी है from नागपुर यूनिवर्सिटी. In his initial days of practice, he worked with J.B. Dadachanji and company. So J.B. दादाचंद जी जो हैं उन्हें बहुत सारे लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का डील किया है. हरीश साल्वे कंसिडर्स नानी पालखीवाला एज हिज मेंटर, और इतना ज़्यादा कि व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर द वोडाफोन केस व्हिच वाज अ हाई स्टेक मैटर वर्थ $2.5 बिलियन, तब ये उनकी फोटो अपने सामने रखते थे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दैट केस. मिस्टर नानी पालखीवाला is an Indian legendary lawyer and Harish Salve assisted him in the Minerva Mills case, and Mr. Palkhiwala treated Harish Salve as his son. Harish Salve ने सोली सोराब जी के साथ भी काम किया है for 6 years, जो कि former AG हैं and is considered to be one of the best lawyers of the country. So हम इससे क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि you don't have to be from a top college, but associate yourself with the right people. इसके बाद उन्होंने अपनी एक independent practice setup करी और बहुत सारी चीज़ें achieve करी in the legal profession. In 1992, he was designated as senior advocate by the Delhi High Court. From 1999 to 2002, he was Solicitor General of India, the second highest law officer of India. 2013 में he was admitted in the English bar and joined Blackstone chamber. 2015 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया और 2020 में वो क्वीन काउंसिल अपॉइंट हुए फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. क्वीन काउंसिल सिंपली यही है, सीनियर एडवोकेट. राइट नाउ हरीश साल्वे लिव्स इन नॉर्थ लंडन एंड ही हैज गेन्ड अ ह्यूज रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस. अब कुछ लैंडमार्क केसेस की भी बात करेंगे उनके करियर के. सबसे पहला जो इनिशियल डेज में उन्होंने केस लड़ा वो था एक्टर दिलीप कुमार का एट द सुप्रीम कोर्ट. दूसरा केस है वोडाफोन केस वेयर ही रिप्रेजेंटेड द वोडाफोन कंपनी अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट. तीसरा केस ही रिप्रेजेंटेड मुकेश अंबानी अगेंस्ट हिज ब्रदर अनिल अंबानी इन ऑयल गैस डिस्प्यूट. और लास्ट केस जिससे उनको सबसे ज़्यादा शायद मीडिया पब्लिसिटी मिली और मिलनी भी चाहिए थी वो है कुलभूषण जाधव केस. सो ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन कुलभूषण जाधव केस बिफोर द ICJ. I hope you like the video. If you like the video, like this video and share it with your friends. Thank you and see you again.